नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पिछले 24 घंटों से जदयू के एक विधायक सुर्खियों में है, वो है विधायक शेखपुरा से, जदयू विधायक रणधीर सोनी। दरअसल रणधीर सोनी जिस तरीके से चुनावी का दौर शुरू हो चुका है तो वो भी अब अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और घूमने का सिलसिला शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने शुरुआत की है क्वारंटाइन सेंटरों से। क्वारंटाइन सेंटर पहुंचते हैं और वहां पे जब मजदूर जो उनसे नौकरी की मांग करते हैं तो बोलते हैं, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हें नौकरी दी है जो हमसे पूछते हो। उसके बाद सुर्खियों में आ गए, सुर्खियों में अब भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अब अपनी सफाई पेश की है। दरअसल शेखपुरा से विधायक रणधीर जो सोनी हैं, जदयू के विधायक हैं, सत्तासीन पार्टी के हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, शायद ये संभव है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, उस बीच वो निकले, क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे और वो पहुंचे अरियर ब्लॉक है, अरियर ब्लॉक के चांदी गांव में क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, वो वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे मजदूरों ने जब उनसे नौकरी की मांग की तो वही उन्होंने बोला था जो मैंने बोल दिया है। उसके बाद वो सुर्खियों में आए, हालांकि उसके बाद अब उन्होंने अपनी सफाई पेश की। जब उनको टीवी चैनलों के माध्यम से उनकी जो खबर थी वो खबर जब सुर्खियों में आई तो वो सफाई पेश कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सफाई में कहा कि जिस व्यक्ति से मैंने बात की या जो जिनसे उनकी बात हुई, दरअसल वो उनके दोस्त के बेटे थे। बस चाचा भतीजा के रिश्ते को अपनाते हुए उन्होंने ऐसी बात कही। हालांकि उसके बाद वो वीडियो उनकी वायरल हो गई और वो मीडिया में आ गए। लेकिन जैसे ही इन सारी बातों को उनको आभास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया और क्या बोल दिया, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो मीडिया ग्रुप में भेजा, जिसके बाद अब वो मीडिया ग्रुप में घूम रही है और उस बीच सुर्खियाँ आई हैं और सुर्खियों के बीच में बने हुए अब अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, उनकी भी सुनिए। क्वारंटाइन सेंटर गया था और वहाँ ही नहीं, मैं वहाँ से डीहा गया, चोरबर गया, आपको कसार गया, फिर आपको हुसैनाबाद गया, विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर लगता है 8-9 क्वारंटाइन सेंटर गए। और वहाँ जो है चांदी गांव का वीडियो जो वायरल किया जा रहा है न्यूज 24 पर मैंने देखा है, तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। वह मामला हमारा और पिंटू है, सुरेंद्र जी का बेटा, जिस घर से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, आज नहीं 15-20 सालों से, सुरेंद्र जी से, उनके भाई से पारिवारिक मेरा रिश्ता है। तो पिंटू ने बोला कि 10 साल में आप हमको कोई रोजगार दिए हैं, तो मैंने कहा, चूंकि पिताजी वही, तो मैंने कहा बाबूजी तुमको पैदा किए हैं तो कोई रोजगार तुमको दिए? बस यही मामला था, मजदूर से कोई लेना देना नहीं। मैं वहाँ 45 मिनट रहा, यदि मजदूर से कोई मतलब रहता तो मजदूर लोग हल्ला हंगामा करते, कुछ करते, मजदूर के संपर्क से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारा और पिंटू जो सुरेंद्र जी का बेटा है उनका मामला है, आप सुरेंद्र जी के बेटा पिंटू से भी पूछ सकते हैं, भतीजा के नाते ही आप बोले। हाँ, ये चाचा भतीजा का संवाद है और इसमें कहीं कोई मतलब नहीं। आप चांदी गांव जाइए, चांदी गांव में सुरेंद्र जी का बेटा पिंटू है, पिंटू और हमारा संवाद है, इसी में मैंने चाचा भतीजा के नाते बोला और बाबूजी बोला। मैं कोई अपशब्द बोलता तो कुछ बोलता, मैंने इतना ही बोला कि बाबूजी तुमको पैदा किए हैं, तुमको रोजगार दिए, पिताजी भी उसको ही पर थे। जो बुनियाद है ये भी बुनियाद है और इसको बेवजह, हम तो 45 मिनट करीब 50 मिनट रहे तो 50 मिनट का वीडियो दिखाना चाहिए। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।